अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन एन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा था चैप्टर 6 के एमसीक्यू, और उसमें हमने बोला था कि अब हम आने वाली वीडियोस में चैप्टर 6 के एक्सरसाइजेज शुरू करेंगे। तो हियर वी आर। तो आज हम करेंगे 6.1, जो कि बेसिकली आपके ट्रायल बैलेंस का सवाल है। चैप्टर 6 आपका पूरा ट्रायल बैलेंस पर मुश्तमिल है। इसमें हम सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस वगैरह किस तरह बनता है और किस किस स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के लिए। तो चलिए 6.1 रीड करते हैं और देखते हैं सवाल किस तरह सॉल्व होगा। यू आर टू एंटर अप द नेसेसरी अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ स्मॉल प्रिंटिंग फर्म द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स एंड एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मई 2026। इन्होंने बता रहे हैं, इन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक स्मॉल प्रिंटिंग फर्म है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके अकाउंट्स आपको जो है रिकॉर्ड करने हैं, उसको बैलेंस ऑफ करना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 मई 2026 का। तो यानी कि ये मई 2026 की ट्रांजेक्शन हैं 1 से लेकर 31 तक। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आपको क्लोजिंग चाहिए होते हैं, तो क्लोजिंग आपके ट्री अकाउंट से निकलते हैं, यानी कि लेजर से निकलते हैं। तो इसमें हमें कोई जनरल एंट्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर ट्री अकाउंट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड इन बिजनेस विद कैपिटल इन कैश ऑफ £800 एंड £2,200 इन द बैंक। बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की है दो तरीक़ों से। तो मैं यहाँ पे तीन अकाउंट बना लेता हूँ। पहले एक हो गया हमारा कैश का, एक हो गया हमारा बैंक का, एक हो गया हमारा कैपिटल का। तो सबसे पहले हमारा कैश जो है £800 आया है कैपिटल में। और उसके बाद बैंक में आया है उसी सेम डेट को, और कैपिटल में हम जो है क्रेडिट वाले साइड पे लिखेंगे, बिकॉज जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट वाले साइड पे आता है। उसके बाद सेकंड को आते हैं, अबाउट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्संस: जेवार्ड, पी ग्रीन, एम टेलर, एस गैमिल, बी टोन। तो ये पांच बंदे हैं बेसिकली जिनसे हमने जो है परचेजिंग की है क्रेडिट पे, यानी कि उनको अभी हमने पैसे नहीं दिए हैं, तो ये हमारे पांच के पांच क्रेडिटर हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पे परचेज का बना लेता हूँ, और इन पांचों के मैं अलग अलग टी अकाउंट बना लेता हूँ, जेवार्ड, पी ग्रीन वगैरह के। फिर हम डायरेक्ट वैल्यूज लिख लेंगे, जेवार्ड, पी ग्रीन, एम टेलर, एस गैमिल, एम टेलर, एस गैमिल, पी टोन। सबसे पहले मैं परचेजेस वाले में लिख लेता हूँ, परचेज हुआ है तो डेबिट वाले साइड पे आएगा, जे वार्ड से हमने लिया है 610 का परचेज किया है, पी ग्रीन से हमने 214 की परचेजिंग की है, और एम टेलर से हमने 174 की परचेजिंग की है, एस गैमिल से हमने 345 की परचेजिंग की है, पी टोन से हमने 542 की परचेजिंग। ये सारे परचेज वाले हो गए। अब हम इनकी क्रेडिट वाले साइड पे लिख देते हैं, बिकॉज ये हमारे क्रेडिटर है, इसको इनको हमने अभी पैसे नहीं दिए हैं। तो परचेज का नाम आएगा, बिकॉज परचेज हुआ है जेवार्ड के साथ, हमने परचेजिंग की है, तो रिलेशन हमारा जेवार्ड के साथ परचेजिंग का है, तो इसलिए परचेज लिखेंगे उसके क्रेडिट अकाउंट में। और पी ग्रीन के साथ हमने परचेज की है 214, एम टेलर से 174, थ्री फोर्टी फाइव, एस गैमिल 542, पी टोन। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, 4 मई को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जे शार्प, जी बाई कोर्ट, एफ टिटमस। ये तीन बंदों को हमने सोल्ड किए गुड्स, यानी कि हम यहाँ पे एक और बना लेते हैं सेल्स का, और फिर इनके नामों के बना लेते हैं क्योंकि ये हमारे डेप्टर्स हैं, जे शार्प, जे शार्प, जी बाइकॉट, एफ टिटमस, ठीक है।
तो सोल गोल्ड जोन क्रेडिट टू जे शार्क को हमने बेचा है 340 पाउंड। तो जब भी सेल्स होती है वो हमारी आती है क्रेडिट वाले साइड पे। जे शार्क को हमने दिया है 340, जी बायकॉट को 720, एफ टिटमस को 1152 पाउंड। और इन्हीं के साथ इनके डेप्टर वाले साइड पे लिख देते हैं, बिकॉज ये हमारे डेप्टर है, इन्होंने अभी हमें पैसे नहीं दिए हैं, तो डेप्टर वाला रिश्ता इनके साथ अकाउंट रिसीवेबल हैं ये हमारे, दूसरे वर्ड्स में अगर हम बोलें, क्योंकि हमें इनसे पैसे लेने हैं। तो सेल्स का रिश्ता है इनके साथ हमारा, हमने सेल्स की थी 340, सेल्स 720, सेल्स 1152 पाउंड। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, जो कि है बेसिकली सिक्स ट्रांजेक्शन पेड रेंट बाय कैश 180। तो 180 यहाँ से हमारे पास से गए हैं, रेंट पे किया है, यानी कि एक्सपेंस हो गया वो हमारा 180, और हम जो है रेंट का एक अलग बना के उसमें भी कर देते हैं, रेंट हमारा बेसिकली एक्सपेंस है, तो कैश 180। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं नाइन्थ वाली, जो कि है जे शाह पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक 340। तो जे शाह ने जो है हमें पैसे दे दिए हैं चेक के ज़रिए, यानी कि हमारे बैंक में पैसे आए हैं, क्योंकि जे शाह हमारा डेप्टर था, उसने हमसे सामान लिया था क्रेडिट पे। तो जे शाह को मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ कि जे शाह ने हमें पैसे भेजे हैं 340 बैंक में, और जे शाह में मैं इसका जो है यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगा, बिकॉज अब उसने हमें अकाउंट क्लियर कर दिया है, बैंक 340। ओके, इसी के साथ टेंथ पे आते हैं, एफ टिटमस पेड अस 1000 पाउंड बाय चेक। तो एफ टिटमस ने भी हमें 1000 पे कर दिए हैं। तो ये बेसिकली टेंथ की ट्रांजेक्शन है, और इसने हमें दिए हैं चेक के ज़रिए, इन्होंने भी 1000, इन्होंने अभी 1000 पे किए हैं, और क्योंकि 1000 पे किए हैं तो वो हमारे 1000 बैंक में आए हैं, एफ टिटमस के खाते में से 1000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद ट्वेल्थ को आ जाते हैं, ट्वेल्थ मे को वी पेड द फॉलोइंग बाय चेक M-1174 J-610। जे वार्ड को हमने जो है चेक के ज़रिए पे किए, यानी हमारे बैंक में से क्रेडिट हुए हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ, और एम टेलर को सबसे पहले हमने दिए हैं 174, उसके बाद जे वार्ड को हमने दिए हैं 610, और इनके अकाउंट में से हम इसको अब डेबिट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इनको पैसे पे किए हैं तो वो डिडक्ट होंगे। जे वार्ड के बिल्कुल खाता क्लियर हो गया है हमारा, तो मैं यहाँ पे इनको बैंक लिख देता हूँ कि भाई बैंक में से हमने आपको पैसे डेबिट कर दिए हैं, आपके पास आ गए होंगे, तो 610। और एम टेलर को भी हमने खाता क्लियर कर दिया है बैंक के ज़रिए 174 का। उसके बाद आ जाते हैं 15 को, पेड कैरेज बाय कैश 38। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ जो है कैरेज को पे किया है, कैरेज भी आपके एक तरीके से एक्सपेंस में आता है, और वो पे किया है इन्होंने कैश के ज़रिए 38। तो मैं यहाँ पे कैश पे सबसे पहले लिख लेता हूँ 15 कैरेज 38, और मैं यहाँ पे कैरेज का एक अलग बना लेता हूँ टी अकाउंट, कैरेज का टी अकाउंट बना के मैं यहाँ पे डेट क्या थी 15 कैश 38। ओके, इसके बाद हम चलते हैं 18 को, बॉट गोल्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पी ग्रीन एस गेमर, इनसे हमने जो है और परचेजिंग की है, फर्दर परचेज की है क्रेडिट पे, पी ग्रीन से हमने पहले से की हुई थी, तो पी ग्रीन के साथ हमने और परचेजिंग कर ली है 18 को, और इस बार हमने की है पी ग्रीन से 291 की, और एस गैमिल से 940 की। ठीक, और परचेजिंग वाले सेक्शन में हम ये इनको लिख लेते हैं,
ग्रीन 291 और एस गैमिल्स 940। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 21 मई को सोल गुड्स ऑन क्रेडिट टू जी बायकॉट 810 पाउंड। जी बायकॉट को हमने और जो है कौन सी डेट को 21 डेट को कुछ बेचा है, तो 21 को जी बायकॉट 840। तो यहाँ पे 21 को सेल्स हुई है 840, 810 है बल्कि। ये 840 नहीं है, ये 810 है, माय मिस्टेक। 31 मई को पेड रेंट बाय चेक 230 पाउंड, इन्होंने चेक के ज़रिए और जो है फर्दर रेंट पे किया है, पहले भी किया था अभी भी किया है, तो इस बार इन्होंने चेक के ज़रिए किया है, पिछली बार कैश के ज़रिए किया था। और मैं इस रेंट वाले में माइनस भी कर देता हूँ 231। ठीक है, तो ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई है। अब हम निकालते हैं इनके क्लोजिंग, जो कि अगर आपको याद है मेथड तो अच्छी बात है, नहीं भी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों साइड का सबसे पहले टोटल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 180 प्लस 38। तो अब देखें इसमें से कम वाली साइड कौन सी है, 218। तो हम यानी कि हमें यहाँ पे बैलेंस करना है, तो हमें यहाँ पे 800 बनाने के लिए कितना कम है वो हम लिखेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन, यानी कि बैलेंस सी बाई डी कैरीड डाउन कहलाता है ये, यानी कि वो हमें पूरा करना है। और ये हम लिखते हैं 31 डेट को, बिकॉज हम ये लिख रहे हैं आखिरी तारीख को कि हमें ये बैलेंस पूरा करना है, तो ताकि जब हम अगली महीने की बनाएं लेजर्स तो हमें पता हो कि हमें क्या क्या अगले महीने में पूरा करना है, तो वो हम उसको 1 डेट के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे 800 पूरा करने के लिए यहाँ पे 688 अमाउंट कम है, तो मैं यहाँ पे 688 कैरी डाउन पे लिख कर इसको टोटल कर दूँगा। ठीक है, और ये अब आपकी अगली डेट को, यानी कि अगर आप अगली जब आप मंथ की यानी मई के बाद जून की जब आप बनाएंगे, तो फिर आप इसको जो है 1 रखेंगे सबसे पहले, जो कि होता है बैलेंस बी बाई डी बैलेंस ब्रॉड डाउन 688, यानी कि ये बैलेंस आपको इस महीने में पूरा करना है, ये आपका पहले से चलता हुआ आ रहा है हिसाब किसी के साथ। ठीक है, अब इसके साथ इसका टोटल निकालते हैं 2200 प्लस 1000 प्लस 340, ये आ गया 3540। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो बिल्कुल इक्वल नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी फर्क है, 610 174। तो 1014, अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने की कमी है, तो वो हम लिख लेते हैं 2526 की यहाँ पे कमी है, बैलेंस सी बाय डी 2526। अभी हम इसको रब कर देते हैं और इसको भी हम, मैं वैसे ये लिखते नहीं है वन वाले जो मैं लिख रहा हूँ नीचे बहुत जगहों पे, मैंने आपको पहले जब सॉल्व कराए थे तो उसमें लिखे थे, तो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि अगले महीने जब हम लिखते हैं तो फिर हमें पता हो कि हमें क्या पूरा करना है क्या नहीं। और इसको मैं टोटल कर देता हूँ, अब ये हो जाएगा 2200 800, ये हो जाएगा 3000, और यहाँ पे पूरा का पूरा 3000 हमें कवर करना है अगले महीने में, तो बैलेंस कैरी डाउन 3000। और यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 31, क्योंकि हम महीने के एंड में लिखते हैं ये सब, और ये भी 3000 हो जाएगा फिर। और ये इस बार, और मैं ये मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड, बैलेंस बी बाई डी 3000। जिस साइड पे आपकी क्लोजिंग निकलती है ना, क्लोजिंग हमेशा आपकी कम वाली साइड पे निकलते हैं, क्योंकि आप कम, क्योंकि पैसे जहाँ ज़्यादा है आप वहाँ तो मैनेज नहीं करोगे ना, जहाँ पे कम है वो मैनेज करने की कोशिश करोगे कि वो बराबर हो जाए, जहाँ पैसे कम होते हैं वहाँ आपका बैलेंस निकलता है, और जहाँ बैलेंस निकलता है उसके अपोजिट साइड में आप अगली डेट का लिखते हैं, कि यहाँ पे जैसे 31 तारीख को आपने बैलेंस निकाला, अगले महीने में वो पहली तारीख को उसके उलट साइड पे लिखा जाएगा, जैसे क्रेडिट डेबिट वाले साइड पे यहाँ पे बैलेंस निकला था, तो ये हम क्रेडिट वाले साइड पे निकलेंगे इस तरह। परचेज वाले में एक सेक्शन भरा हुआ है, बाकी एक सेक्शन पूरा खाली है, तो इसका तो पूरा ही आएगा 174 प्लस
3, 4, 5 प्लस 5, 4, 2 प्लस 2, 9, 1 प्लस 9, 4, 0 ये आ गया 3116। तो बैलेंस सी बाय डी 3116, ये पूरा हमें बैलेंस करना है परचेज का। इसमें मैं यहाँ पे अब नहीं लिख रहा वन वाली, और फुली मैं आप बस आपको 3-4 शुरू की, क्योंकि हमें इसका काम नहीं है, हमें खाली काम है क्लोजिंग का, तो हम वो निकाल लेते हैं। तो ये 600 610 बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसका क्लोजिंग निकलेगा ही नहीं, क्लोजिंग इसका 0 है। इसका क्लोजिंग निकलेगा 214 प्लस 291 505, तो इसका हो जाएगा बैलेंस सी बाय डी 505, ठीक है। और ये 174 174 बिल्कुल क्लियर है। 940 प्लस 345 1285 बैलेंस सी बाई डी 1285। इसी के साथ नीचे आते हैं 542 की परचेजेस, 542 पूरे ही कवर करने हैं अगले महीने। बैलेंस सी बाई डी, सी बाई डी यानी कि कैरी डाउन, बी बाई डी यानी कि ब्रॉड डाउन 542। सेल्स का भी पूरा निकलेगा 810। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, अगर आपको याद नहीं है कि टी अकाउंट में अगर सेल्स, वैसे तो इस सवाल में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नहीं आया, लेकिन अगर आता है तो उसका अलग टी अकाउंट बनता है। अगर सेल्स क्रेडिट पे है तो डेबिट वाले साइड पे आप सेल्स रिटर्न नहीं लिखते, ऐसे बैलेंस ख़राब हो जाता है। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न का अलग टी अकाउंट बनता है हमेशा। तो ये सेल्स रिटर्न और सेल्स परचेज, तो ये तो हमेशा ही हमेशा जाते हैं आपके ट्रायल बैलेंस में, कांस्टेंट समझ सकते हैं आप इसको एक तरीके से, क्योंकि हमेशा इसकी एक साइड खाली रहेगी जब आप उसके अलग अलग बनाओगे। बैलेंस सी बाई डी 3022। 340 का अकाउंट क्लियर है। और 720 प्लस 810 1530 बैलेंस सी बाई डी 1530 1152 कितने पैसे कम हैं यहाँ पे 152 कम हैं। बैलेंस सी बाई डी 152, ये है हमारा 180 प्लस 230 410 410। यहाँ पे भी हमें बैलेंस सी बाई डी 410 38 बैलेंस सी बाई डी 38। तो सारे क्लोजिंग हमने निकाल लिए हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। पहले मैं आपको ट्रायल बैलेंस का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा ट्रायल बैलेंस में आप वैल्यूज किस तरह याद रखेंगे, कि कहाँ लिखनी है, कि डेबिट वाले साइड पे लिखनी है या क्रेडिट वाले साइड पे लिखनी है। ये देखें, ये ट्रायल बैलेंस होता है आपका, सबसे पहली लाइन में यहाँ पर आपका आता है, जो अगर आप कॉपी में भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी हेडिंग आती है कंपनी का या बंदे का नाम जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें मेंशन किया था एक स्मॉल प्रिंटिंग फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे स्मॉल प्रिंटिंग फॉर्म ही लिख दिया है। अगर जैसे जेएल इंडा वगैरह इस तरीके के नाम आते हैं तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं कंपनी के। और फिर यहाँ पे अगली हेडिंग आती है ट्रायल बैलेंस एज एट, उसके आगे आपकी डेट आती है कि कौन से महीने की आपने ट्रायल बैलेंस बना के दी है। फिर एक कॉलम आपका डेबिट का होगा, एक कॉलम आपका क्रेडिट का होगा, टोटल एंड में आपका निकलेगा जो कि बराबर होगा। अगर बराबर आ गया तो आपका बिजनेस बिल्कुल सही है, ट्रायल बैलेंस आपने बिल्कुल सही बनाया है, क्लोजिंग अगले महीने के लिए आप जा सकते हैं। तो फिर हम चेक करते हैं क्लोजिंग। अच्छा देखिए, ट्रायल बैलेंस में लिखने के लिए सबसे आसान मेथड ये है कि जिस साइड पर क्लोजिंग निकला है ट्रायल बैलेंस में, उसके अपोजिट साइड पर जाएगा। आपको इसके लिए ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैश जो है डेबिट इन नेचर होता है, तो इसका जो है क्लोजिंग यहाँ पर लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस में वगैरह वगैरह। वैसे अगर आपको इससे याद रहता तो आप इससे याद रख सकते हैं कि कैश, अगर फर्ज करें मैं कैश लिख रहा हूँ तो हमें पता है कैश डेबिट इन नेचर होता है, कि चीज़ कब बढ़ती है कैश में, कि जब डेबिट होगा। तो हम यहाँ पे इंक्रीज देखते हैं, जैसे अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो कैपिटल इंक्रीज होता है, तो क्रेडिट होता है तो कैपिटल मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये चीज़ आपको याद रखने में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए बेस्ट तरीका है जिस साइड पर क्लोजिंग निकला है उसके अपोजिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में जाएगा। जैसे कि कैश में हमारा क्रेडिट साइड पर जो है क्लोजिंग निकला है 31st बैलेंस सी बाई डी की बात कर रहा हूँ मैं,
बी बाय डी ब्रॉड डाउन की नहीं, मैं कैरी डाउन की बात कर रहा हूँ। ब्रॉड डाउन तो हम लिखते ही नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। खाली ये वाली क्लोजिंग लिखते हैं हम ज़्यादातर 31st। तो यहाँ पे कैश में क्रेडिट वाली साइड पे है, तो मैं कैश की जो बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में उलट साइड पे यानी कि डेबिट वाले साइड पे लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे कैश 688 इस तरह लिखूंगा, सिंपल। अगली है हमारे पास बैंक, तो बैंक भी हमारा यहाँ पे निकला हुआ है क्लोजिंग, तो 2526 हमारा डेबिट वाली साइड पे जाएगा, बैंक 2526। उसके बाद कैपिटल है, कैपिटल हमारे को वैसे भी पता है क्रेडिट इन नेचर होता है, तो डेबिट वाले साइड पे निकला हुआ है तो क्रेडिट वाले साइड पे जाएगा ट्रायल बैलेंस में, 3000 कैपिटल। ओके, उसके बाद जो है हमारे सारे परचेज, परचेज 3116 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे निकला हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, परचेज 3116। अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, देखिए आप जब भी ट्रायल बैलेंस बनाए ना, कोशिश करा करें कि सबसे पहले आप लिखें कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, कैपिटल, और उसके बाद जो आपके क्रेडिटर, डेब्टर्स, रेंट, एक्सपेंस वगैरह जो भी हैं। क्योंकि कैश, बैंक, परचेज, सेल्स आपके सबसे बड़े अकाउंट होते हैं, सबसे बड़ी वैल्यूज इनमें होती है, तो सबसे पहले इनको लिखा जाता है ज़्यादातर। जब आप ट्रायल बैलेंस देखेंगे ज़्यादातर, तो उसमें आपको यही दिखेगा कि सबसे जो ऊपर होंगे वो यही चार अकाउंट्स होंगे। तो सेल्स का भी हमने बनाया था, वो आई है 3022, और सेल्स हमें पता है वैसे क्रेडिट इन नेचर होता है, और यहाँ पर भी डेबिट वाले साइड पे लिखा हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में उलट साइड पे जाएगा, वो इधर आएगा। तो ये है हमारा 3022। ठीक है, अब हम जो है लाइन से चलते हैं, परचेज हो गया, कैपिटल हो गया। अब जे वार्ड जो है उसका अकाउंट क्लियर है, पी ग्रीन, पी ग्रीन हमारा क्रेडिटर था, उसको हमने पैसे देने थे जो अब हम अगले महीने में देंगे, तो 505 उसके क्रेडिट वाले साइड पे लिखी जाएगी उसके नाम के साथ, तो पी ग्रीन 505। एम टेलर का यहाँ पे अकाउंट क्लियर है, एस गेमिल्स 1285, एस गेमिल्स 1285। उसके बाद है पी टोन की है 542, 542। सेल्स हमारा हो चुका है, जे शार्प का अकाउंट क्लियर है, जी बाय कॉर्ड 1530, ये हमारा डेप्टर था और वैसे भी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे जी बाय कॉर्ड, और इसकी वैल्यू हमारे पास है 1530। ठीक है, और उसके बाद एफ टिटमस का हमारे पास है 152 बैलेंस, जो कि हमारा डेबिट वाले साइड पे आएगा, एफ टिटमस 152। उसके बाद है रेंट, जो कि हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट इन नेचर होता है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे निकला हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि क्रेडिट वाले साइड पे क्लोजिंग निकला हुआ है, तो डेबिट वाले साइड पे ट्रायल बैलेंस में जाएगा, तो रेंट 410। उसके बाद है कैरेज, वो भी हमारा एक्सपेंस होता है, राइट हैंड साइड पे निकला हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, कैरेज 38। अब हम इसका फाइनल ट्रुथ, मोमेंट ऑफ द ट्रुथ सब जो है निकालते हैं टोटल, और अगर इक्वल आ गया तो हमारा सवाल बिल्कुल परफेक्ट है। 688 प्लस 2526 प्लस 3116 प्लस 1530 प्लस 152 प्लस 410 प्लस 38, ये आया है 8460। अब देखते हैं क्या राइट हैंड साइड इतना इक्वल आता है या नहीं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पर 3022 प्लस 3000 प्लस 505 प्लस 1285 प्लस 542, 3022, 3505, 1285, और ये आया है हमारा 8352,
54, तो यहाँ पे कमी कितने की आई है, 8460, और यह है 8354, तो अराउंड 96 का फर्क आया है। यहाँ पे हमारी इक्वल साइड्स नहीं आई हैं। अब हम यहाँ पे देखें, ऐसे ही होता है ट्रायल बैलेंस में, जब तक आपको इक्वल लाना होता है, अगर इक्वल नहीं आई होती मतलब आपने सवाल में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया। तो अब हम ऊपर चलते हैं, अब हम देखते हैं हमने कहाँ मिस्टेक की, यानी कि मैंने। इनका तो आसान था, मुझे लग रहा है हमने बड़े अकाउंट्स में कोई मिस्टेक की है कैलकुलेट करने में। ये तो हमने कैलकुलेट, मैंने कैश वाला जो है मैनुअल लिखा था, हो सकता है उसमें कुछ मसला हो। ये 800 था, 180 + 38, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा था, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। 800 में से 180 को माइनस करना है, माइनस करना है 38 को, 582, ये देखें, ये मैंने 688 लिखा हुआ है, ये 582 है, 582 करके ये बनेगा 800, तो ये 582 जाएगा हर जगह। अगली बार मैंने कैलकुलेट करके लिखना है, तो ये हमने, मैंने थोड़ी सी ब्लेंडर मार दिया है, ये 688 मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, 582 है ये। तो अब हम इसको यहाँ पे 688 की जगह 582 करके देखते हैं, तो सही, ये अब इक्वल आ चुका है। वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, अगर हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते फॉर्मूले से तो वो मिस्टेक नहीं आती। तो आप इस तरीके की मिस्टेक्स का ख्याल रखें, आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं, अभी भी हमारा मिस्टेक आ गई है। तो ये होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसमें दोनों साइड इक्वल्स आती हैं। और आप ये मत भूलिएगा कि ट्रायल बैलेंस में जब दोनों साइड इक्वल आती है तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन लगाइए करें, क्योंकि ये टोटल शो करता है कि आपका टोटल है, तो डबल अंडरलाइन टोटल को शो करता है। और अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे आगे पीछे तो वो अकाउंटिंग में क्रेडिट कहलाते हैं, यानी कि माइनस, कि मतलब कोई आपका बैलेंस चल रहा है, कि जैसे अगर आपने किसी को पैसे देने हैं तो वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाल कलर का, यानी कि वो आपके उधार चल रहा है, तो वो अभी काम का नहीं, वो अभी आगे आएगा, वो हमारा बैलेंस शीट वगैरह में आएगा। तो फिलहाल ये हमारा ट्रायल बैलेंस, अब मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ, अगर आपको कुछ देखना हो कहीं पे स्टॉप करके तो आप देख सकते हैं। होपफुली आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6.2, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जब वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।